हेलो दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और सी में हमारा आज का टॉपिक है इफ एल्स स्टेटमेंट। देखिए, कल हमने इफ कंडीशन के बारे में किया था। तो इफ कंडीशन में क्या था कि हम कंडीशन के एक ही पार्ट को परफॉर्म किया करते थे। जैसे कल मैंने एग्जांपल के अंदर दो ग्रेटेस्ट वैल्यूज में से अगर फर्स्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट है तो ही रिजल्ट आए, इस तरह की कंडीशन को परफॉर्म किया था। यानी कि जब हमारे पास सेकंड वैल्यू ग्रेटेस्ट हो जाती थी तो हमारे पास कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता था और प्रोग्राम हमारा आगे कंटिन्यू हो जाता था, या अगर हमारे प्रोग्राम की एंडिंग है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाता था। अब जब हम इफ एल्स स्टेटमेंट की बात करते हैं तो जो इफ एल्स स्टेटमेंट है ये आपका दो ऑप्शंस में काम करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तब क्या होगा और अगर कंडीशन फॉल्स है तब क्या होगा। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने यहां सिंटेक्स लिया हुआ है इफ कंडीशन एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक एल्स, तो आपके एल्स पार्ट के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द इफ स्टेटमेंट अलोन टेल अस दैट इफ अ कंडीशन इज ट्रू इट विल बी एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या होता है, हमारा ट्रू वाला ब्लॉक है जो वो एग्जीक्यूट होगा। एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स इट वॉन्ट, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो उस केस में हम कुछ भी नहीं कर पाते थे। हम यहां पर इफ स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं जो हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि अगर उसमें हमारी कोई कंडीशन ट्रू हो जाती थी रिजल्ट तभी एग्जीक्यूट होता था, अदरवाइज हमारी स्क्रीन पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं होता था। बट व्हाट इफ वी वांट टू डू समथिंग इफ कंडीशन इज फॉल्स, लेकिन तब क्या हो अगर हम किसी कंडीशन के फॉल्स होने पर भी वर्किंग को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हमारे पास एल्स स्टेटमेंट आई। हेयर कम द एल्स स्टेटमेंट। वी कैन यूज द एल्स स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ अ कोड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। कि हम क्यों यूज करते हैं एल्स स्टेटमेंट को, अगर कभी हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये उसको भी एग्जीक्यूट कर पाए। आप सिंटेक्स देखिए, इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा ब्लॉक, एल्स उसका हमने अलग से ब्लॉक क्रिएट कर दिया है। तो हम एक बार इसके थोड़ा सा डिजाइन व्यू को देख लेते हैं, एक एग्जांपल को देख लेते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। अब यहां पर आप देखिए, मेरे पास एक तरफ ब्लॉक डायग्राम है, दूसरी तरफ मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो मैं सबसे पहले यहाँ ब्लॉक डायग्राम को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट मैंने प्रोग्राम को किया, अपनी कंडीशन को लगाया। अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो वो इस ब्लॉक को परफॉर्म करेगा, अगर कंडीशन मेरी फॉल्स होती है तो वो इस ब्लॉक को परफॉर्म करेगा। इसके बाद अगर मैंने कुछ नीचे उसमें स्टेटमेंट्स दी है तो वो परफॉर्म होंगी और हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जिट हो जाएगा। अब हम करते क्या हैं, जहां पर भी हम ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं तो जो मैंने एग्जाम्पल लिया है आप इस एग्जाम्पल को ब्रेक करना शुरू कर देते हो। मेरा यहां जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है कि मैं दो नंबर में से ग्रेटर नंबर को फाइंड करना चाहता हूं। अब आप देखिए, सबसे पहले इफ कंडीशन, तो जो मेरे पास कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी, मैं उस कंडीशन को इस पोर्शन पर रखता हूं ए ग्रेटर देन बी। इफ सपोज कीजिए कि आपके पास जो आपकी कंडीशन है वो ट्रू है, मैं ए को वैल्यू देता हूं 45 और बी को वैल्यू देता हूं 35। तो जब मैंने ए को 45 और बी को 35 प्रोवाइड किया तो मेरी जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई। और ट्रू के ऊपर इसने क्या करना है, इफ पार्ट को परफॉर्म, यानी कि ए मेरी ग्रेटेस्ट वैल्यू है। बट व्हाट हैपेंड इफ आवर सेकेंड वैल्यू इज ग्रेटर। सपोज कीजिए मेरी ए की वैल्यू 35 है, बी की वैल्यू मेरी 45 है, तो मैं क्या करूंगा, मेरी कंडीशन
फॉल्स हो जाएगी, ये वाला पार्ट मेरा एग्जीक्यूट होगा। और जब हम सिंपल इफ कंडीशन की बात करते थे तो मेरा प्रोग्राम डायरेक्ट टर्मिनेट कर देता था कंडीशन को, लेकिन अब यहां पर भी मैंने एक पार्ट इसका प्ले करवा दिया, एल्स पार्ट। एल्स पार्ट में क्या है, बी इज ग्रेटर, कि जो बी की वैल्यू है वो ग्रेटर है। तो इसी तरह से जब हम इस वर्किंग को परफॉर्म करते हैं हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले हो जाती है। आपके पास अलग अलग एग्जांपल हो सकते हैं, आप पॉजिटिव नेगेटिव फाइंड कर रहे हो, आप इवन ओड फाइंड कर रहे हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस एग्जांपल में किस तरह से वर्किंग को परफॉर्म करवाना चाहते हैं। लेकिन जब भी आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स में वर्क कर रहे हैं तो एक बार उसको डायग्राम के अकॉर्डिंग फिट करके जरूर देखिए कि क्या आपकी कंडीशन ट्रू है या नहीं है, क्या आपके पास एग्जैक्ट वही रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं या परफॉर्म हो रहे हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है। हम डायरेक्ट इस ब्लॉक में ही उस चीज को चेक कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ एक बार और थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, अगर मैं ए की वैल्यू को 55 कर दूँ और बी की वैल्यू को मैं 65 कर दूँ, इफ कंडीशन बी की वैल्यू 65 ए की वैल्यू 45, तो मेरे पास जो कंडीशन है मेरी, इफ ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है? नहीं। तो अगर वो बड़ा नहीं है वो कहां जाएगा? एल्स पार्ट के अंदर, बी इज ग्रेटर। तो आइए हम इसके एक प्रैक्टिकल अप्रोच देख लेते हैं कि किस तरह से हम इस प्रोग्राम को परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए हम यहां पर एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू। तो जैसा कि बेसिकली आप सभी को अब तक ये पता लग ही चुका होगा कि हम बेसिकली यहां पर दो मेन लाइब्रेरीज का यूज करते हैं, studio.h और conio.h। तो मैं उन्हीं लाइब्रेरीज को स्टार्ट करता हूं, इंक्लूड studio.h, मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया conio.h को, मैं void main का यूज करता हूँ, मैंने दो वेरिएबल्स लिए जो मेरे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है a एंड b, स्क्रीन को क्लियर किया हर बार के रिजल्ट के लिए। printf enter the values of a and b, ये मैंने इसको दो वैल्यूज के लिए मैसेज पास किया, उन दो वैल्यूज को मैं स्टोर करवा रहा हूँ scanf फंक्शन के थ्रू। तो आपको पता है कि आपको फॉर्मेट स्ट्रिंग्स यहाँ यूज करनी है, % d जो इंटीजर को परफॉर्म करती है, और इसके बाद आप यहाँ पर उनको वेरिएबल्स को एड्रेस प्रोवाइड कर देते हो कि किस एड्रेस के ऊपर जाकर ये वैल्यूज स्टोर हों। तो मैंने ए वी को स्टोर करवाया। अब आता है मेरा मेन पार्ट कि मैं किस तरह से कंडीशन को परफॉर्म कर सकता हूँ। तो अभी तक अगर हम बात करते हैं हमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लगता था कि हम किस तरह से प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे, लेकिन अब आप देखिए इसकी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए इतना काम करना काफ़ी ईजी हो गया है। तो इसी तरह से जब हम कंडीशंस को परफॉर्म करेंगे तो यहाँ भी हम इजी से टफ की ओर ही जाएंगे कि किस तरह से आप एक प्रोग्राम के अंदर से दूसरा प्रोग्राम निकाल सकते हो। तो बेसिकली अभी हम अपने प्रोग्राम को सिंपलेस्ट वे में रखते हैं और यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर का प्रोग्राम सर्च करते हैं, अपना टाइप करते हैं कि आप ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फाइंड कर सकते हो दो नंबर्स के अंदर से। मैंने कंडीशन को स्टार्ट किया, ए ग्रेटर देन बी मेरा इफ का पार्ट, एल्स। अब आप देखिए प्रोग्राम के अंदर मैंने एल्स को ब्रेसिस के अंदर लिया है, तो मैं उसी तरह से आपको ब्रेसिस के अंदर दिखा रहा हूं। मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कि एल्स पार्ट में हम कब ब्रेसिस का यूज कर सकते हैं और कब हम चाहें तो उसको ऑप्शनल रख सकते हैं कि हमें यूज नहीं करना है। मैंने ए इज लार्ज लिखा, इसी तरह से अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मैं यहां पर लिख देता हूं प्रिंट एफ बी इज लार्ज। आपका इतना प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसको जस्ट टाइप करवाना है,
अपनी स्क्रीन के ऊपर कि ये प्रोग्राम प्रॉपर रन भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने गेट करेक्टर किया, प्रोग्राम को कंट्रोल F9 से कंपाइल किया। सॉरी मेरी एक टाइपिंग मिस्टेक थी, कंट्रोल F9। मैंने ए को वैल्यू प्रोवाइड की 45, बी को वैल्यू प्रोवाइड की 54, बी इज़ लार्ज एग्जैक्ट क्योंकि मेरी बी की वैल्यू बड़ी है। मैं अगेन कंपाइल करता हूँ, कोई वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ, ए इज़ लार्ज। तो देखिए यहाँ पर मेरी दोनों कंडीशन चल रही है। अब बात करते हैं ब्रेसिस की कि ये ब्रेसिस हमने क्यों लगाई। अब कई बार क्या होता है कि आपका कोई भी कंडीशनल पार्ट हो सकता है एक से ज़्यादा लाइन्स एग्जीक्यूट करे। अगर एक से ज़्यादा लाइन्स आपको एग्जीक्यूट करवानी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर ब्रेसिस को देना पड़ेगा ताकि आपका ये पता लग जाए कि फंक्शन की बॉडी आपकी कहाँ ख़त्म हो रही है या कोई भी आप वर्किंग कर रहे हो वो कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। जैसे मैंने वेलकम लिखा, मैं कंडीशन को रन करता हूँ अपने हिसाब से, मेरे बी स्मॉल पे आएगी, सॉरी बी लार्ज पे आएगी। मैंने बी को 34 प्रोवाइड किया, देखो वेलकम बी इज़ लार्ज। अब अगर मैं यहाँ पर ब्रेसिस ना लगाऊं तो इसका क्या डिफरेंस होगा, हम एक बार चेक करते हैं। मैं ए को ग्रेटर कर रहा हूं 45, बी को 34, ए इज लार्ज बी इज लार्ज, क्योंकि जब तक मैं उसको उसका बॉडी पार्ट नहीं दूंगा हमारे कंपाइलर को ये नहीं पता लगता कि आपकी कंडीशन ख़त्म कहाँ हो रही है। तो वो क्या करता है, एल्स पार्ट के बाद सिर्फ उसने एक लाइन को ही उसकी बॉडी में एग्जीक्यूट किया, वेलकम को। तो अब अगर मैं यहाँ पर कभी बी को स्मॉल करूँगा, सॉरी लार्ज करूँगा, तो मेरे पास वेलकम बी इज़ लार्ज, यानी कि जो मेरा बी इज़ लार्ज है ये हर बार आ रहा है। तो इसी चीज़ को स्टॉप करने के लिए मुझे यहाँ पर ब्रेसिस का यूज करना था। हाँ, अगर आप इस वेलकम को ना लगाओ तब आपको ब्रेसिस की जरूरत नहीं है। ए इज लार्ज, ए इज लार्ज, बी इज लार्ज। अब देखिए आपके पास हर तरह का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। वेलकम मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया था, आपका यहाँ प्रोग्राम आगे कुछ भी चल सकता है, कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो हमारे आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।